वालेकुम मैं हूँ मोहम्मद अरसलान आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हार्मोन्स ऑफ रिप्रोडक्शन वेटरनरी साइंसेज में रिप्रोडक्शन में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं उनका क्या रोल है और उसमें हम उनका उसके बारे में पी पी एस सी में या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का या एफ पी एस सी में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो हम पॉसिबल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें तो हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि जो साइकिल होता है एस्ट्रस साइकिल होता है उसमें कौन कौन से मेजर हार्मोन्स होते हैं और उनकी पीक लेवल और उनका लोएस्ट लेवल किस किस जगह पर होता है तो इसमें हम आप देख रहे हैं दो फेज होते हैं फॉलिकुलर फ़ेज़ और ल्यूटियल फ़ेज़ प्रो एस्ट्रस एंड एस्ट्रस में जो होता है वो फॉलिकल मेजर होता है तो इसको हम फॉलिकुलर फ़ेज बोलते हैं और मेट एस्ट्रस एंड डाई एस्ट्रस में ल्यूटियल उसकी ओव्यूलेशन हो जाती है कार्पोस ल्यूटियम बनता है तो ये इसको ल्यूटियल फ़ेज़ बोलते हैं तो हमें पता है कि सबसे पहले हम डे ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं एस्ट्रस को डे ज़ीरो बोलते हैं इस जगह पर पी एच पी फोर लेवल जो होगा वो मिनिमम लेवल पर होगा एफ एस एच जो होगा उसकी सर्ज आएगी एफ एस एच की सर्ज के रिस्पॉन्स पर एल एच सर्ज आएगी एल एच सर्ज की रिस्पॉन्स में ओव्यूलेशन होगी और इस दौरान ई टू एस्ट्रोजन लेवल पीक लेवल पर होगा जिस वजह से एनिमल जो होता है वो एस्ट्रस साइन जो होता है वो एस्ट्रस के साइन शो करता है जिसमें बेलविंग हो गई माउंटिंग हो गई और जिस तरह के दूसरे भी हैं वो फीमेल जो होती है वो साइन शो करती है अब एस्ट्रस साइकिल में ये तीन हारमोन्स हाई लेवल पर होते हैं और प्रोजेस्ट्रॉन मिनिमम लेवल पर होती है जैसे ही ओव्यूलेशन होगी ओव्यूलेशन के बाद कारपस ल्यूटियम जो होगा वो कारपस हेमरेजिकम बनेगा इनके आपने नाम भी याद करने हैं कारपस ल्यूटियम कारपस हेमरेजिकम और कार्पस एल्बिकन ये आपने इसको डिफरेंस आपको पता होना चाहिए तो एस्ट्रोजन लेवल एस्ट्रस के बाद एस्ट्रोजन जो होगा वो पी लोएस्ट लेवल पर चला जाएगा एल एच सर्ज भी एल एच जो सर्ज आई थी वो एल एच लेवल भी लोएस्ट पे चला जाएगा और एफ एस एच भी लो पे हो जाएगा उसके बाद कार्पोस ल्यूटियम डेवलप होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे वो डेवलप होता जाएगा प्रोजेस्ट्रॉन वो सक्रियट करता जाएगा हमें पता है कि प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो सक्रियट करता है कार्पोस ल्यूटियम तो मेट में वो कार्पस ल्यूटियम सक्रिएट करता जाएगा तो मेटास्ट्रस के आखिर तक वो करता जाएगा उसके बाद डाएस्ट्रस स्टार्ट हो जाती है छः दिन पहले छः दिन पहले डायास्ट्रस स्टार्ट हुई तो इस वक्त कार्पस ल्यूटियम मिच्योर था उसने पी फोर लेवल मेन पीक पे था इससे जो है वो थोड़ा थोड़े पी पीक आनियाँ शुरू हो गई हैं एफ एस एच की आनी शुरू हो जाएंगी साथ ई टू की पीकस आनी शुरू हो जाएंगी और प्रो में सेवनटीन डे पे डे सेवेंटीन पे ये डिसाइड होगा कि कारपस ल्यूटियम ने मेंटेन रहना है मतलब कि प्रेगनेंसी अगर है तो सेवनटीन डे पे मेंटेन रहेगा अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो वो डीजनरेट uh, हो जाएगा और अगर डीजनरेट हो जाएगा तो पी फोर लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और इसका यह इफ़ेक्ट ख़त्म होगा प्रोजेस्ट्रॉन का तो एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा एफएसएच भी इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा और एलएच लेवल भी इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा तो इसको थोड़ा सा आपने समझ लेना है कि कौन कौन से हारमोन का किस किस स्टेज में ज़्यादा रोल है तो इसके लिए इससे आगे ही हम हर एक हारमोन को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है गोनो गोनेडोट्रोपन रिलीजिंग हारमोन जी एन आर एच ये मेल रिप्रोडक्टिव मदर रिप्रोडक्टिव हारमोनस है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मदर रिप्रोडक्टिव हारमोन का पूछा जाता है वो जी एन आर एच है इसका रिलीज़ के आंसर होता है इंटीरियर हाइपोथेमिक एरिया ऑफ हाइपोथैलमिक हाइपोथेलमस फंक्शन क्या क्या है इट इंड्यूज द ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है इट का द रिलीज ऑफ द लेच करवाता है और इट इंड्यूज द साइक्सिटी इन ए साइक्लिक फीमेल एनिमल तो हमने देखा कि जो ए साइक्लिक एनिमल हो जाते हैं हीट में नहीं आ रहे होते उनमें गनेडे का शॉर्ट लगा देते हैं जिसका एनालॉग आ रहे हैं स्टार वालों का है कंसेप्टाल आ रहा है और इसके अलावा और भी कंपनीज के ब्रांड नेम से आ रहे हैं उसके बाद इसका सिंथेटिक जी एन आर एच इज़ यूज इन डिलेड एस्ट्रस डिलेड एस्ट्रस में यूज़ करते हैं ट्रू एन एस्ट्रेस में यूज़ करते हैं लो कंसेप्शन रेस एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन जो प्रोटोकॉल होता है प्री सिंक या ओवी सिंक प्रोटोकॉल होता है उसमें जी एन आर एच यूज़ करते हैं और इसको ए आई के टाइम पर यूज़ करते हैं एक मैंने स्टडी पढ़ी थी वो कह रहे थे उसमें लिखा था कि ए आई के टाइम जी एन आर एच को यूज़ करने से कंसेप्शन रेट जो बढ़ जाता है वो तकरीबन बारह परसेंट कंसेप्शन रेट बढ़ जाता है एफ एस एच आ गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन इसका रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर पिचुटरी से रिलीज होता है फंक्शन इन द फीमेल इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल इट इन्हांस एस्ट्रोजन प्रोडक्शन और इट आल्सो हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ एल एच रिप्टर ऑन द ग्रेनोलोजर सेल्स सो दैट एल एच कैन परफॉर्म फंक्शन अब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक तो एल एच एस्ट्राडाइल की सक्रीशन इंक्रीज करेगा दूसरा जो होगा जो रिसेप्टर सेल्स होंगे ग्रेनोलोजल सेल के मतलब कि जो फॉलिकल बनना होगा उसके रिसेप्टर सेल्स को फॉर्मेशन रिसेप्ट फॉर्मेशन करता है ताकि एल जब पीक आए तो ये ओव्यूलेशन करवा सके अब इसका एफ का फंक्शन मेल में क्या इट का ग्रोथ ऑफ द सेमिनिफेरेस्टब्यूल्स इट इन्फ्लुएंस द प्रोमेटोजेनेसिस और इट एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स एंड स्टीमलेट टू प्रोड्यूस एन ए बी पी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसको स्टिमुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग ल्यूटीनाइजिंग हारमोन रिलीज फ्राम द इंटीरियर पिचुट्री फंक्शन इन द फीमेल क्या है रिसेप्टर सेल इट हैज रिसेप्टर्स ऑन थिका सेल्स एंड दूर ग्रेन्यूल लोजा सेल्स ऑफ द फोलिकल एंड ल्यूटियल सेल्स ऑफ द कार्पस ल्यूटियम इट कॉल द ऑफ़ द ग्रेफिन फोलिकल इट हेल्प इन दव्यूलेशन इट हेल्प कार्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन ओव्यूलेशन करवाता है जब एल आई सर जाती है तो उसके छः से आठ घंटे बाद जो होती है वो ओव्यूलेशन हो जाती है ताकि रिसेप्टर पर काम करता है तो ओव्यूलेशन करवा देता है इट हैल्प मेनटेन द कार्पस ल्यूटियम फंक्शन इन द मेल्स एल एच एक्ट ऑन दीडिंग सेल्स ऑफ टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टीरोन मेल्स में प्रोड्यूस करवाता है इट कार दिटन ऑफ द इंडस्ट्रीशियल सेल्स टू प्रोड्यूस द एंड्रोजन बाइनिंग प्रोटीन ये भी एंड्रोजन बाइनिंग प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है प्रोलेक्टन अब इट रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर पिचुट्री इट इंफ्लुंस द मेटाबॉलिक ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन फीमेल्स इट इंड्यूस मिल्क सेंसिस हमें पता है प्रोलेक्टन जो होता है वो मिल्क सेंसिसिस करवाता है और ऑक्सीटोसन जो होता है वो मिल्क लेट डाउन करवाता है इट इंड्यूस द मूमेंट ऑफ वेरियन एनिमल टू केयरिंग एंड नर्सिंग ऑफ द ऑफ दिंग मदरिंग बिहेवियर को uh, करता है इंड्यूस करता है इट सप्रेशन सप्रेसिव इफेक्ट ऑन द सक्रीशन ऑफ द गेडोट्रोपन हमें पता है कि जो हाई प्रोडक्शन फीमेल्स होती हैं उनमें जी uh, एन आर एच पर इसका सप्रेशन इफेक्ट होता है इसलिए वो एन एस्ट्रेस में चली जाती हैं या वो डिलेड एस्ट्रेस में चली की तरफ चली जाती हैं ऑक्सीटोसन आ गया ऑक्सीटोसन इज़ रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इस फंक्शन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ फिटस एंड हेल्प फॉर द एक्सपल्शन ऑफ द फिटल मेम्रेन फ्रुक्सन रिफ्लैक्स ये फ्रुक्सन रिफ्लैक्स के बारे में आपने पढ़ लेना कंप्लीट डिटेल से इसके बारे में एम सी पूछा जाता है वो कौन सा हारमोन इसको इनिशिएट करता है तो वो ऑक्सीटोसन है जब बेबी जो होता है वो मदर uh, वोम में उसको इनिशिएट करता है तो ऑक्सीटोसन uh, रिलीज होता है जिसकी वजह से फ्रुक्सन रिफ्लैक्स आता है और बाकी जो होता है वो डिलीवरी के प्रोसेस स्टार्ट होता है काज ऑफ द कंट्रेक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द सर्टन ऑर्गन स्मूथ मसल की कंट्रेक्शन करवाता है मूवमेंट्स ऑफ द गैमिट्स फर्टिलाइजेशन के लिए गैमिट्स को मूवमेंट करता है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मिल्क लेट डाउन मिल्क लेट डाउन करवाता है द ऑक्सीटोसन थ्रो द ब्लड रिच द मिल्क एलव्यूला एंड दैन हेल्प इन द कंट्रेक्शन ऑफ द माओथीलियल सेल मिल्क लेट डाउन स्टीमुलेट द स्क्रिशन ऑफ पी जी एफ टू अल्फा एंड दस हेल्पफुलॉर किलिंग कारपोस कार्पस ल्यूटियम की ये किलिंग कर देता है क्योंकि जब मोस्टली ये देखा गया फील्ड प्रैक्टिस में कि जिस एनिमल्स को ऑक्सीटोसन शॉट लगा कर मिल्किंग की जाती है उन एनिमल्स में कंसेप्शन रेट बहुत कम होता है क्योंकि वो कंसीव हो जाता है लेकिन पी जी एफ़ टू अल्फ़ा सिक्रशन करवाता है और ये सेवनटीन डे या जब भी इसकी पी जी एफ़ टू अल्फा की प्रोडक्शन थ्रेशोल्ड uh, लेवल पर जाएगी तो वो ल्यूटियम ब्रेक होकर प्रेगनेंसी का अबॉर्शन की तरफ चली जाएगी Uses क्या है इट्स यूज द मिल्क लेट डाउन प्रॉब्लम इन एनिमल्स वेयर यूज इन डिफिकल्टी न्यूट्रिशन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ यूट्राइन कंट्रेक्शन यूज टू एनहांस द पोस्टमार्टम यूट्राइन इनमे यूज फॉर द ट्रीटिंग रिटेंशन ऑफ विटल मेमब्रेन टू इम्प्रूव द कंसेप्शन रेट एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग यूज इन द केस ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स तो इन इन कंडीशन में ये, ये यूज़ होता है क्योंकि इसने स्मूथ uh, मसल की कंट्रैक्शन करवानी होती है और इसके लिए ये यूज़ किया जाता है एस्ट्रोजन एस्ट्राडाइल एटीन कार्बन स्टीराइड हारमोन मेंटेन द सेकेंड्री सेक्स क्रैक्टर्स मेनटेन करता है और एस्ट्रस बिहेवियर शो करता है और ओव्यूलेशन इन फीमेल्स में करवाता है इसके तीन हैं एस्ट्रोन एस्ट्राडायोल एस्ट्रोल इक्विलिन एंड इक्विलिन आर द मेजर एस्ट्रोजन इक्विलिन जो होता है वो इक्वाइन स्पीशीज़ में पाया जाता है और मेजर जो है वो एस्ट्राडायोल ही है और इमीडिएट प्रसर्स ऑफ एस्ट्रोजन और एंड्रोजन टेस्टोस्टिर ही हैं प्रकर्सर इसके और इसके यूज़ क्या हैं मिस मैड प्रेगनेंसी में इसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं ड्यू टू एनी मेडिकल रीजन एंडोमेट्राइटस को ट्रीट करने के लिए और डायलेशन ऑफ सर्विक्स डिस्ट्रोकिया के केस में लोकली जो है वो सर्विक्स का मसाज किया जाता है एस्ट्रोजन से एस्ट्राडाइल से एस्ट्राडा की टैबलेट से पेस्ट बनाकर तो वो यूट्रस का आ, ओपन हो जाती है तो डाइलेशन ऑफ सर्विक्स के लिए यूज़ किया जाता uh, है एस्ट्रोजन स्टैब्लिश द फेमनिटी करता है फीटल ग्रोथ करवाता है सेकेंडरी सेक्स करैक्टर डिवेल्प करता है सेक्शल बिहेवियर करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन को डिवेल्प करता है डिवेल्पमेंट ऑफ स्कैल्टल करता है दूसरी चीज बात याद रखने वाली है कि ये डक्ट सिस्टम इन द मेमोरी ग्लैंड को इंड्यूस करवाता है और uh, प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो एलवीला को एस्ट्रोजन uh, जो है वो मेमोरी सिस्टम के मेमोरी uh, ग्लैंड के डक्ट सिस्टम को डेवलप करता है एस्ट्रेस बिहेवियर को शो करता है हीट ईटसा इंप्रीव्यूलेटरी एल एचर्च को इंड्यूस करता है प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो ट्वेंटी वन कार्बन है स्टीराइड हारमोन है मेनटेन प्रेगनेंसी इन आल फीमेल ये भी आपने याद रखने हैं हॉर्मोन का कौन सा स्टीराइड है कौन सा जो है वो आ, आ, प्रोटीन है स्टीराइड है और इस तरह बाकी इनकी क्लासीफिकेशन जो है वो आपने याद रखनी है लिपड कौन सा और दूसरे इन मेल दिट इज सक्रेटेड सिकरेटेड फ्राम सिंस प्रोजेस्ट्रॉन इज चेंज इन टू द सो अनकन्वर्टेड प्रोजेस्ट्रॉन कम्स इन द ब्लड फंक्शन क्या है मेंटेन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है ल्यूटियम से निकलता है और फिटल मेम्ब्रेन भी इसको सक्रियट करती हैं इट प्राइम द ब्रेन सेंटर फॉर द एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन फॉर बिहेवियरल साइन प्राइमिंग ब्रेन की जो होती है प्राइमिंग उसमें प्राइमिंग प्रोजेस्ट्रॉन से होती है इसलिए हम देखते हैं कि पार्चुरेशन uh, के पहली हीट और प्यूबर्टी के बाद पहली हीट जो होती है वो इतनी ज़्यादा इफेक्ट uh, मतलब साइन शो नहीं करती क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन uh, की प्राइमिंग नहीं हुई होती तो इसलिए एस्ट्रोजन अपना काम नहीं करता इट रिड्यूस द कंट्रैक्शन कंट्रेक्टिलिटी ऑफ द यूट्रस क्लोजर ऑफ द सर्वाइकल रिंग्स एंड सर्वाइकल म्यूकस इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग रेगनेंसी इट प्रिपेयर फॉर द फिटस इम्पलान्टशन ऑफ द जाइगोट इट स्टिमुलेट द स्क्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द यूट्राइन ग्लैंड सप्रेस इज द लोकल इम्यून सिस्टम इट फॉर्म द मिल्क एल्वियलाई दूसरा हमने पढ़ा था कि एस्ट्रोजन जो होता है वो डक्ट सिस्टम को डिवेल्प करवाता है और प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो मिल्क एल्वियई को डिवेल्प करवाता है ये आपने दो डिफरेंस याद रखने हैं इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन इंड्यूसिंग मेटरनल बिहेवियर इट अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑन जी एन आर एच एंड गेडोट्रोपन इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है यूजिस क्या है स्टॉप अबॉर्शन को स्टॉप जिन जानवर में प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से अबॉर्शन हो जाती है उनमें हम प्रोजेस्ट्रॉन डिवाइस लगा देते हैं या उसको मल्टीपल शॉट्स प्रोजेस्ट्रॉन के देते हैं प्रेगनेंसी को मेनटेन करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल में तो प्रोजेस्ट्रॉन स्पॉन्जेज यूज़ कित है प्रोजेस्ट्रॉन रिलीजिंग इंट्रा वेजाइनल डिवाइस को यूज़ करते हैं हम और सीडर यूज़ करते हैं कंट्रोल इंटरनल ड्रग रिलीज़ जो होता है वो इसका हम यूज़ करते हैं आगे आगे प्रोस्टाग्लैंड क्या कौन से होते हैं प्रोस्टाग्लैंडन हारमोनस होते हैं वो हर मेमल्स में पाए जाते हैं और पूरी बॉडी में ये सक्रीट होते हैं एरेक्ट्रॉनिक एसिड की ब्रेकडाउन में फैटी एसिड है तो इसकी ब्रेकडाउन के बाद प्रोस्टाग्लैंड जो होते हैं वो सक्रीट होते हैं ये सारा आपको पी डी एफ शेयर हो जाएगी तो आप उधर से पढ़ सकते हैं तो इसकी टाइप्स हैं पी जी ए पी जी बी पी जी ई पी जी एफ आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोस्टागलैंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट स्पीशीज़ इसके अब फंक्शन क्या है ल्यूटोट्रॉपिक फंक्शन हार्मोन है तो इसका फंक्शन जो होगा वो कारपोस ल्यूटियम की ब्रेक डाउन होगी ल्यूटोट्रॉपिक है तो ल्यूटिक ल्यूटो ल्यूटिकार्पस ल्यूटियम की ये ब्रेक डाउन करवाएगा का स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स पी जी एफ टू इसको हम यूज़ करते हैं बिकॉज इट डिटर्मन द लेवल ऑफ एस्ट्रोसाइकल इन फीमे पी जी एफ टू प्रिजस्ट्रॉन डिग्रेस दी एल इट शॉर्टन द एस्ट्रोसाइकल लेंथ बाई इंट्रावीनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पी जी एफ टू अल्फ़ा विच कील दार्पोस ल्यूटियम इसको हम आई वी दे देते दे दे हैं जिसकी वजह से ये ब्लड स्ट्रीम में जाकर कारपोस ल्यूटियम की ब्रेक डाउन करवा देगा और जिससे एस्ट्रासाइकल शॉर्ट हो जाता है और जानवर जल्दी हीट में आ जाता है। माओमेट्रिकल सेल्स इन द ग्रैफियन फॉलिकल आर आल्सो कन्डक्टेड बाई पी जी एफ टू अल्फा इसका यूज क्या अब डिफिशेंट है यूज टू डिटर्मन द प्रेगनेंसी को अबाउट करने के लिए होता है और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फीट के लिए यूज़ किया जाता है और पायोमेट्रा के केस में यूज़ किया जाता है थैंक यू